आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महाराष्ट्र की, महाभारत की, जहां पर बीता दिन महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल के साथ गुजरा। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सियासी उलटपुलट सामने आया। अजीत पवार मौजूदा शिंदे सरकार में डेप्यूटी सीएम की पद की शपथ लेते नजर आए और एनसीपी अब दो धड़ों में बंट गई है। भले ही अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल ने एनसीपी पर दावा ठोका है, तो वहीं अब तक एनसीपी की बागडोर संभाल रहे शरद पवार ने कहा कि भाई एनसीपी उनकी है, वो जगह जगह जाएंगे, कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस हासिल करेंगे और एक नई ऊर्जा नई एनर्जी के साथ एनसीपी नजर आएगी। शरद पवार ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार पर और बीजेपी पर पार्टियों को तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि ये जो हो रहा है, जिस तरह से पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, पद सरकार और पावर पोजिशन के लाभ देकर इसे जनता देख रही है और जनता ये सब पसंद नहीं करती है।